सोमवार को इप्का कंपनी ठेकेदारी कर्मचारियों ने कलेक्टोरेट में जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का प्रदर्शन इस बात पर था कि इप्का कंपनी में स्टाफ उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। वहीं आज घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवाया जा रहा है और ओवरटाइम भी नहीं देते हैं। वहीं हमारा बीमा भी नहीं करवाया गया। 2 घंटे तक इप्का के कर्मचारियों ने कलेक्टोरेट में जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद 7 दिन के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। ये कर्मचारी आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये जितने मजदूर आज बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग इप्का जो फैक्ट्री है वहाँ के कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर हैं। ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, कुछ कार्य स्तर के बारे में भी है, कुछ उनकी समस्या फैक्ट्री के साथ में भी है, कुछ उनकी प्रबंधन से भी मांग है। तो लोग लगातार इसी की डिमांड करते हुए आज यहाँ पर आए हैं। हम लोग उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और इसको हम कंपनी प्रबंधन को भेजेंगे। कंपनी प्रबंधन से विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। रतलाम जिले के जावरा के पास से गुजर रहे एटलेन एक्सप्रेस वे पर बकरियां चरा रही एक नाबालिग व महिला को लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। दुर्घटना बीती शाम की बताई जा रही है। आक्रोशित लोगों ने एटलेन एक्सप्रेस वे पर टक्कर मारने वाले लोडिंग वाहन में आग लगा दी। जलते हुए लोडिंग वाहन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोडिंग वाहन धुंधू कर जल रहा है। बताया जा रहा है कि चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को जावरा अस्पताल ले जाया गया। एटलेन से लगे रोड किनारे अवैध कट से चढ़कर गांव नयापुरा की 50 वर्षीय बसंती बाई व 16 वर्षीय नाबालिग बकरियां चराने एटलेन के डिवाइडर पर चली गई थी और रोड क्रॉस करते समय दुर्घटना हो गई। आपकी ये जो जिनकी डेड हुई कौन लगते हैं? अच्छा, कैसे हुई डेट कुछ मालूम है? बकरी चरा रहे थे सर। अच्छा, हाँ। कहाँ है? एडलाइन पर। एडलाइन वाले लिंक करा। वहाँ किस वाहन से टक्कर लगी कुछ मालूम? गाड़ी वहीं पड़ी सर, गाड़ी वहीं पड़ी। एडलाइन वाले भाग गया, उतर के भाग गया, गाड़ी वहीं पड़ी। क्या बच्चे की उम्र क्या थी? ये 17 साल। क्या नाम था? लिखिए। कहाँ के रहने वाले थे? नयापुरा, इस्लामनगर। नयापुरा जो एक लेडीज हुई उनका बसंती भाई। क्या उम्र हुई? ये 50 साल। वो भी नया नगर की थी? इस्लाम नगर की। बकरी चरा रहे थे? बकरी चरा रहे थे। कहीं ना बकरी भी मर गई, 3 बकरी भी मर गई। अच्छा, हाँ। ये पिकअप वाहन था, दूसरा कोई बड़ा वाहन था? ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर भाग गया। एशिया की टॉप मंडियों में शुमार जावरा की कृषि उपज मंडी में अक्सर देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म पर किसानों के बजाय व्यापारियों का माल पड़ा रहता है। प्लेटफॉर्म खाली नहीं होने से चलते मजबूरी में किसानों को अपना माल जमीन पर खुले आसमान के नीचे उतारना पड़ता है। ऐसे में अचानक बारिश के चलते किसानों की उपज भीग जाती है, जिससे उन्हें उपज का दाम सही नहीं मिलता है। इधर बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है, ऐसे में बारिश के दौरान किसानों का माल बारिश से न भीगे, इसको लेकर मंडी प्रशासन ने जिन व्यापारियों का माल प्लेटफॉर्म पर रखा है उन्हें अपना माल हटाने के लिए आदेश दिया था। लेकिन कुछ व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के इस आदेश को हल्के में लिया और अपना माल नहीं हटाया। ऐसे में सोमवार को सुबह सुबह मंडी प्रशासन हरकत में आया और प्लेटफॉर्म पर रखे माल को जेसीबी से हटाने का काम शुरू किया। प्लेटफॉर्म पर जेसीबी चलते देख मंडी में हड़कंप मच गया। जेसीबी से बोरियों को हटाने के दौरान माल का नुकसान हुआ तो व्यापारियों ने आकर अपना माल समेटना शुरू किया।
स्वस्थ शरीर यदि आपको ईश्वर ने दिया है तो उसका सदुपयोग करें। हमारी ऊर्जा और रक्त संचरण यदि पीड़ित मानवता की सेवा में कार्य आता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। किसी को दिया हुआ रक्त कई प्राणियों के जीवन को बचाता है। इसके लिए सामाजिक संस्थाएं रक्तदान के लिए लोगों को, विशेषकर समाज के युवा वर्ग को प्रेरित करें। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी अथवा शारीरिक थकान नहीं होती है। उपरोक्त विचार मानव सेवा समिति में संस्था परस्पर द्वारा स्वर्गीय मनीषा अग्रवाल की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में उपस्थित रक्तदाताओं और नागरिकों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल SP राकेश खाखा ने व्यक्त किए। आपने कहा कि रक्तदान करने से आदमी स्वयं भी स्वस्थ रहता है और दूसरों को भी जीवन प्रदान कर सकता है। आपने संस्था परस्पर की तारीफ करते हुए कहा कि यह समाज के लिए अत्यंत प्रेरक कार्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र चाहर ने कहा कि आज रक्तदान की महती आवश्यकता है। आए दिन होने वाले हादसे, एक्सीडेंट और डिलीवरी केसेस में अधिकतर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में मानव सेवा समिति से रक्त की पूर्ति होती है। इसके लिए हमें और जागरूकता लानी होगी और आम आदमी को रक्तदान के लिए जागृत करना होगा। संस्था परस्पर निरंतर ऐसे कार्य कर सामाजिक चेतना का कार्य कर रही है। आरंभ में अतिथियों ने माँ सरस्वती और स्वर्गीय महेश अग्रवाल के चित्र पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया। स्वागत उद्बोधन संस्था अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने दिया। आपने कहा कि हम सुबह की सैर सबकी खैर के साथ साथ समाज सेवा में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संरक्षा का भय सुराणा और महेश व्यास तथा मानव सेवा समिति अध्यक्ष मुरलीधर एवं लायंस क्लब के रीजन चेयरपर्सन दिनेश शर्मा भी मंचासीन थे। इस अवसर पर रक्तदाता गोविंद चौहान और 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ करने पर श्री पंकज भाटी का सम्मान किया गया। शिविर में लगभग 75 यूनिट रक्त एकत्रित कर मानव सेवा समिति को प्रदान किया गया। अतिथियों का स्वागत सचिन गेलड़ा, अभय लोढ़ा, मिलन राखेचा, अभिसार हाड़ा, आकाश कोठारी, पंकज चौहान, जगदीश सोनी, महेंद्र जैन, राजेश जोशी, प्रशांत व्यास, कमलेश पालीवाल, ललित कटारिया, अमित डांगी, प्रीतम भरगट, सुभाष नागोरी, राजेंद्र कसेरा, राजेश दरख, प्रदीप लोढ़ा, दशरथ पोरवाल, दिलीप वर्मा, मनीष जोशी आदि ने किया। शिविर में समाज सेवी गोविंद काकानी, जनक नागल, इक्का बैलूत, स्नेह सचदेव, नीरज सुरोलिया, ओपी अग्रवाल सहित अनेक संस्थाओं ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश शर्मा तथा आभार अशोक अग्रवाल ने व्यक्त किया। हनुमान जी जैसी